आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। भोपाल में बढ़ रहे बच्चों के साथ अपराधों के विरोध में मनोज शुक्ला ने बच्चियों के साथ पहुंचकर किया कमिश्नर कार्यालय का घेराव। राजधानी भोपाल में बढ़ रहे छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाओं पर मध्य प्रदेश सरकार एवं पुलिस के विफल प्रयासों के विरोध में शुक्ला आज भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर शहर के विभिन्न स्थानों की छोटी बच्चियों एवं उनके माता पिता के साथ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर उनकी छोटी बच्चियों एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अथक प्रयास करने की मांग की। बच्चियों के हाथ में कमिश्नर अंकल हमें बचाओ लिखी हुई तख्तियां थी। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने कहा कि भोपाल में आजकल बच्चियां अपने घर, स्कूल, बाजार कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। आजकल उनके साथ अप्रिय घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिसका कारण पुलिस की अपराधियों को रोकने की विफलता और कमजोर कानून व्यवस्था एक बड़ा कारण है। राजधानी जैसी जगह में कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां बेटियां और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। मध्य प्रदेश की राजधानी में महिलाओं एवं बच्चों के साथ दुष्कर्म, अनाचार और अत्याचार से देश के हृदय मध्य प्रदेश की गंभीर स्थिति में है। उन्होंने इस तरफ पुलिस को अधिक ध्यान देकर कड़ी कार्रवाई करने एवं इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने की मांग की है और कहा है कि अगर इस तरह की घटनाएं कम नहीं हुई तो बच्चियों की सुरक्षा के लिए हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं भोपाल में जिस तरीके से गरिंदगी हो रही है, छोटे बच्चों के साथ जो हो रहा है, इसकी पूरी तरीके से प्रशासन खैर है। चाहे शाहजहानाबाद की घटना हो, चाहे पटलानी की घटना हो, चाहे थोड़ा थाना थोड़ा मंदिर में जो घटना हुई है उसमें आज तक मंदिरों से पता नहीं है। ये बच्चे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, हमें मैं आपको लगा लगा के आपको लगाम लगाना आपको ये बच्चे आपसे कुछ कहेंगे सर, और पूरी तरीके से प्रशासन फैल है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, अपराधियों को पुलिस का डर होना। ये थी आज की खबर। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।